चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। किसान को यूं नहीं पता रहता कि मुझे इसका कुछ मिलेगा, कितना मिलेगा, कम मिलेगा, बच्चों का मैं कैसे लालन पोषण करूंगा। और बहरी सरकार को अपनी पीड़ा पत्रों के द्वारा बता रहे हैं। और आज तो ये धरना गन्ने के लिए है, यदि 3 दिन के अंदर सामान उपलब्ध नहीं कराती तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। ये किसानों का आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक इस किसान को इंसाफ नहीं मिलेगा। जैन सिंह, राज्यसभा सांसद, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के संदेश पर आयोजित इस किसान धरने की अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष भाई वाजिद अली जी, किसान संदेश अभियान के मंडल के प्रभारी पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष रहे मुजफ्फरनगर जिले के आदरणीय त्रिशपाल मलिक जी, मेरे साथी, बल्कि मैं तो पार्टनर कह करूं, आदरणीय अशरफ अली जी थाना भवन विधायक, पूर्व में बुढ़ाना विधानसभा से विधायक रहे और अभी बहुत अच्छा आज इनका वक्तव्य सुनने को मिला, आदरणीय नवाजी सली जी, पूर्व में अध्यक्ष रहे आदरणीय ऋषिराज जी, आदरणीय अनवार भाई, सतबीर पंवार जी, अब सभी के तो नाम लूं, आदरणीय सुखेंद्र बाबा जी, सनोज टोड्डा जी, प्रदीप भी बैठा, रविंदर है, और रह गया हो तो संजीव मास्टर जी हैं, सुनील है, राजन है, रविंदर है, और महिला शक्ति में आदरणीय सरोज मलिक जी, वे सभी राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता और किसान भाइयों, देखो आज बहुत मजा आया धरने में। एक तो सभी ने जो अपनी बात रखी उसका जो सार था, बातों का जो सार था, वह कि किसान यदि रुके तो बड़ा अच्छा लगता है, किसान की एक पीड़ा है। मैं 2-3 आदमियों का तो आज बड़ा प्रभावित किया, आदरणीय नवाजी सालम जी ने भी और आदरणीय ऋषिराज जी ने भी, सनोज टोड्डा ने बहुत अच्छी बातें कही, और भाई आज तो भूमिका तो अनवार चौधरी ने तो ऐसी निभाई, भाषण तो दिया ही दिया पर मारे वाल को जो है सचेत भी कर दिया, कहना थोड़ा सा ध्यान भी रख लो, अच्छी बात है। देखो तो किसान की पीड़ा है और एक विडंबना है, कितनी बड़ी बात है, कोई व्यापारी हो, कोई छोटा व्यापारी हो, दुकानदार हो, पान का दुकानदार, पान का यदि वो पान बनावे और उसके पास चले जाओ लेने के लिए, यू कह ले मैं 5 रुपए का दूंगा, और कितनी बड़ी विडंबना है, कितना बड़ा दुर्भाग्य इसका है किसान का, किसान है भावा है, 24 घंटे पूरे साल खेत पर काम करके जब बुग्गी लेके मील में जा और तोला वहां उस बुग्गी का तोल भी कर ले, कै क्विंटल हुए, कह ले 15 क्विंटल हुए, किसान को यूं नहीं पता रहता कि मुझे इसका कुछ मिलेगा, कितना मिलेगा, कम मिलेगा, बच्चों का मैं कैसे लालन पोषण करूंगा। ये इस देश का दुर्भाग्य है। और ये किसान 2 महीने से एक जानदार शानदार व्यक्तित्व के निर्देश पर इस अंधी और बहरी सरकार को अपनी पीड़ा
पत्रों के द्वारा बता रहे हैं। सबसे पहले तो यदि यह ईमानदार सरकार है, चरित्रवान सरकार है, तो किसान की पीड़ा इसे सुननी चाहिए थी। और यदि इसमें हिम्मत नहीं है किसान की पीड़ा सुनने की, तो शासन करने की हिम्मत भी नहीं दिखानी चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि आज यह किसान त्रस्त है, मजदूर त्रस्त है, हमारी महिलाएं त्रस्त हैं, ये नौजवान जिसको नौकरी देनी चाहिए थी ये दर दर की ठोकरें खा रहा है। और यदि बात करें, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की प्रेस वार्ता होती है, मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं क्या आय दुगनी होगी। मैं पूछना चाहता हूं, हमारे क्षेत्र का जो किसान है, एक बीघे में गन्ने की जो लागत है वह 14,000 रुपए आवे आवे या नहीं आती। यहां किसान बैठे 14-15 हजार रुपए लागत आवे या नहीं आती। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी थी कि लागत का 1.5 गुना हम भाव देंगे किसान की फसल का। 1.5 गुना कहां मिल रहा, 350 का भाव है, 16-17 हजार रुपए बैठे, हिसाब लगा के देख लो तो कैसे आय दुगनी होगी। ये तो 450 का भाव बैठे, 450-500 का भाव दे दो, आय दुगनी हो जाएगी। साथियों, बड़ी विडंबना, बड़ा मजाक साहब है। अब जब इतना बड़ा लीडर जिसको सुनने के लिए, मैं अपनी बात बता रहा हूं, जब विधानसभा में बोलते हम सुनने के लिए शांत होकर बैठ जाए, कुछ अच्छी बात कहेंगे। और वाकई में ही हकीकत है, बोलने का तजुर्बा बहुत बढ़िया है, डिक्शनरी बहुत बढ़िया है, बोलते अच्छा है, प्रभावित करते हैं। लेकिन जब मैंने स्टेटमेंट सुना, बड़ा विचित्र सी बात लगी। वहां क्या कहती है, एक रामदेव महाराज है, आदरणीय रामदेव महाराज, उनका भी बड़ा सम्मान करते हैं, एक योगा की एक क्रांति लाए थे, उनके दो एक स्टेटमेंट आए। अभी स्टेटमेंट सुनकर वो भी विचित्र सी बात लगी, हंसी आई, क्या कह दिया। चलो कि मैं लंबा जिक्र नहीं करता, लेकिन मैं अपने जिले पर आना चाहता हूं। सरकार कानून व्यवस्था की बात करे, महिला सशक्तिकरण की बात करे, मैं कानून व्यवस्था की यदि बात करूं, हमारे जिले में 4 महीने से गन्ना किसानों की ट्वेल फाड़ी जा रही है रात को। और मैं इस मंच के माध्यम से और आज इस पंचायत के माध्यम से शासन और प्रशासन को चेताना चाहता हूं कि ये तो आप ये कहना बंद कर दे कि हमने कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया है। और यदि आप ये बात कह रहे हैं, 3 दिन के अंदर भविष्या गांव में 20-12 चोरों ने रात को फाड़ ली, सामान उपलब्ध करा दे। लिसाड़ गांव में कल की रात 20-12 चोरों ने फाड़ ली, सामान उपलब्ध करा दे। नहीं तो एक कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए चोर कर रहे हैं इस काम को। कोई सा गांव नहीं बचा, कोई सा भी गांव जिसमें ट्वेल ना फटी हो। शासन प्रशासन जवाब दे और कुछ लोगों को उठा के, और यहां के कोतवाल साहब ये समझते होंगे कि मैंने तो चोर उठा लिए, लिप्पा पोती नहीं चलेगी, चाहे सारे लिसाड़ गांव को उठा लो, पर हमें सम्मान चाहगा। और आज तो ये धरना गन्ने के लिए है, यदि 3 दिन के अंदर सामान उपलब्ध नहीं कराती तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। ये कान खोल के सुन ले। साथियों, ये किसान की पीड़ा है। कितनी बड़ी बात है,
बिजली विभाग यदि किसान के ऊपर उसका 10,000 रुपए का पेमेंट हो जाता है तो उसे बाइज्जत करता है, पुलिस भेजी जाती है और ये मांग करी जा रही है कि भाई पीएससी ले जाए। किसानों का जब ये सरकार किसानों के ऊपर उत्पीड़न करेगी, किसानों का अत्याचार होगा तो राष्ट्रीय लोकदल हमेशा डट करके किसान की लड़ाई को सड़क से लेकर सदन तक लड़ेगा, सड़क से लेकर सदन तक लड़ेगा और जहां तक भी होगा किसान को इंसाफ दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे, किसानों की आवाज को बुलंद करेंगे। अभी आदरणीय तेजपाल मलिक जी ने बताया कि यदि ये गन्ने की आवाज इस सरकार तक नहीं पहुंचती, आवारा पशुओं की आवाज इस सरकार तक नहीं पहुंचती और पिछले सत्र का पेमेंट देने को सरकार तैयार नहीं होती तो 27 तारीख को कमिश्नर पर घेराव होगा। और उसके बावजूद भी यदि ये गुंगी बहरी सरकार नहीं जागती, इस किसान का उत्पीड़न ऐसे ही करती रहेगी तो मार्च में एक शानदार जानदार व्यक्तित्व आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी के नेतृत्व में विधानसभा को घेरा जाएगा। ये आंदोलन, ये किसानों का आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक इस किसान को इंसाफ नहीं मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ और इसी आशा के साथ कि आप लोग किसान लोग इस राष्ट्रीय लोकदल के साथ ऐसे ही जुड़े रहे और राष्ट्रीय लोकदल आपकी आवाज को हमेशा उठाता रहे, इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत और जय राष्ट्रीय लोकदल।